हे गाइस, वेलकम टू बीपीएससी e-GYAN। माय नेम इज पीयूष और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे शिवालिक रेंजेस की, जिसमें हम देखेंगे रामनगर, दून, हरहा वैली एंड सोमेश्वर रेंज। इससे पहले हमारी दो वीडियोस बिहार जीके सीरीज में आ चुकी है, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार एंड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ बिहार, जहां हमने रॉक सिस्टम के बारे में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए शिवालिक रेंजेस पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बिहार में शिवालिक रेंजेस तीन श्रेणियों में पाई जाती हैं, है ना। तीन रेंजेस शिवालिक की पाई जाती हैं बिहार में। पहली है रामनगर, दून। आप इस फिगर के जरिए देख सकते हैं कि हमारे बिहार में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ जो मैंने ये हैंड ड्राइंग बनाई है, तो इस वाले पार्ट में आपको शिवालिक रेंज मिल जाएंगे, है ना। तो शिवालिक यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर आपको मिलेगा रामनगर, दून, है ना। फिर मिलेगा सबसे ऊपर आपको मिलेगा सोमेश्वर रेंज, है ना। देखिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है सोमेश्वर रेंज, जो कि यहाँ पे आपको है, है ना। मिडिल वाला पोर्शन हरहा वैली, है ना, हरहा घाटी, ये वाला, एंड लास्ट में रामनगर, दून। तो आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही आप इस फिगर में देख सकते हो प्लेटियो रीजन बिहार के साउथ में है एंड ये है बिहार प्लेन्स। तो चलिए शिवालिक रेंजेस के बारे में देखते हैं। तो गाइस, शिवालिक रेंजेस जो है हमारे नॉर्थ बॉर्डर्स पे, है ना, बिहार के नॉर्थ बॉर्डर्स पे वेस्ट चंपारण की तरफ जब आप मूव करोगे तो आपको शिवालिक रेंजेस मिलेंगी। जैसा हमने बताया था अभी कि ये वाले एरिया में आपको क्या मिलती हैं, शिवालिक रेंजेस मिलती हैं। यहाँ पे आप बिहार के मैप में देखोगे, यहाँ पे वेस्ट चंपारण लोकेटेड है। तो चूंकि वेस्ट चंपारण में मिलती हैं, यहाँ पे देखिए एरिया कवर्ड बाई शिवालिक रेंजेस इन बिहार इज 932 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, बिहार में शिवालिक रेंजेस का एरिया कितना है, ये है 932, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड एवरेज हाइट है इनकी 80 मीटर्स टू 250 मीटर्स। ठीक है, एंड जैसा मैंने बताया, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, रामनगर, दून हिल्स, हरहा वैली एंड सोमेश्वर रेंज। आप फिर से एक बार मैप में देख लो, सबसे ऊपर सोमेश्वर रेंज, फिर है हरहा वैली एंड सबसे लास्ट में है रामनगर, दून। आप इस फिगर के जरिए इसको याद रख सकते हो, सोमेश्वर, हरहा वैली, फिर रामनगर, दून। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए गाइस, जो रामनगर दून है ये हमें मिलता है साउथ ऑफ सोमेश्वर रेंज। तो फिर से एक बार फिगर के जरिए समझते हैं। तो देखिए, रामनगर दून है आपका सबसे लास्ट वाले, थर्ड वाले पार्ट में, है ना, सबसे नीचे में, और सोमेश्वर रेंज ऊपर की तरफ है। तो देखिए, ऊपर की तरफ है यहाँ पे सोमेश्वर रेंज, एंड इसके साउथ में आप यहाँ पे मूव करोगे तो यहाँ पे आपको रामनगर, दून मिलेगा, है ना। यहाँ पे साउथ में मूव करोगे तो रामनगर, दून मिलेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो देखिए, रामनगर दून हिल्स जो हैं, दे आर 32 किलोमीटर लॉन्ग एंड 8 किलोमीटर वाइड, है ना। ये 32 किलोमीटर लंबी हैं, 8 किलोमीटर चौड़ी हैं, और इनकी हाईएस्ट पीक है संतपुर। ठीक है, हाईएस्ट पीक क्या है, संतपुर। तो ये ध्यान में रखना है कि रामनगर दून सबसे आखिरी वाली जो पंक्ति है उसमें है, है ना। आखिरी रेंज तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे शिवालिक रेंजेस बिहार में, है ना। सबसे नीचे है रामनगर दून, बीच में है हरहा वैली, और सबसे ऊपर है सोमेश्वर रेंज। और हाईएस्ट पीक रामनगर दून का क्या है, वो है संतपुर, जो कि है 242 मीटर ऊंचा, है ना। अब आते हैं हरहा वैली, और इसको दून वैली भी बोलते हैं। ठीक है, हरहा वैली या फिर दून वैली, माफ कीजिए दोस्तों, वैली का स्पेलिंग है VALLEY। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। बिटवीन रामनगर दून एंड सोमेश्वर रेंज, मैंने ऑलरेडी बताया, ये उन दोनों के बीच लोकेटेड है, एंड इट इज 21 किलोमीटर लॉन्ग, एंड एरिया इज 214 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो एरिया है 214 स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड इट इज 21 मीटर्स लॉन्ग। अब बात कर लेते हैं आखिरी रेंज की, जो कि है सोमेश्वर रेंज। तो सोमेश्वर रेंज इज थर्ड पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज, इट्स एरिया इज 784 स्क्वायर किलोमीटर्स। आप देख सकते हो सबसे बड़ा एरिया में कोई रेंज फैला हुआ है तो वो है सोमेश्वर श्रेणी, है ना, सोमेश्वर रेंज। एंड इसका जो ऊपरी भाग है वो बिहार को नेपाल से अलग करता है, चूंकि हमें पता है कि तीन श्रेणियां हैं,
ठीक है, सबसे ऊपर सोमेश्वर रेंज, उसके बाद हरहा वैली और लास्ट में रामनगर दून। तो सबसे ऊपर जो है वो नेपाल से लगा हुआ है, इसको फिगर के जरिए देखना है तो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको सबसे ऊपर में दिखेगा यहाँ पे सोमेश्वर रेंज। अब देखिए यहीं पे आपका नेपाल है, ये नेपाल बॉर्डर है, तो ये नेपाल और बिहार को क्या करती है, नेपाल और बिहार को अलग करती है। अब देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, इट्स लेंथ इज 70 किलोमीटर। ठीक है, इसका लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है, वो है 70 किलोमीटर, और ये त्रिवेणी कैनाल से भिखना ठोरी पास तक आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये त्रिवेणी कैनाल से लेकर भिखना ठोरी पास तक लोकेटेड है ना। एंड देखिए यहाँ पे मेनी पासेस हैं, मतलब बहुत सारे पासेस हैं इस रेंज में, है ना, क्योंकि ये सबसे ऊपरी एरिया में है एंड ये बिहार और नेपाल के बीच में क्या करती है, एक मार्ग प्रदान करती है। पासेस क्या होता है दोस्तों, पासेस कुछ नहीं, एक रास्ता है जाने का, ठीक है, जो कि नेचुरली क्रिएट हो जाता है। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों में आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, उन्हीं को हम पासेस बोलते हैं। तो देखिए सोमेश्वर पास, भिखना ठोरी पास, ये सॉरी ये एक ही है, तो सोमेश्वर पास, भिखना ठोरी पास एंड मरवात पास। ठीक है, तो ये सभी आपको मिलेंगी कहाँ पे, ये मिलेंगी सोमेश्वर रेंज में। तो तीन पासेस मिलेंगी, सोमेश्वर पास जो कि आसान है याद रखना, सोमेश्वर श्रेणी के नाम पे है, भिखना ठोरी पास एंड मरवात पास। ठीक है, एंड जैसा मैंने बताया दे फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट बिटवीन बिहार एंड नेपाल। अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट पीक की, तो हाईएस्ट पीक बिहार की है सोमेश्वर फोर्ट, जो कि सोमेश्वर रेंज में ही है, है ना, इसकी हाइट है 880 meters। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 880 meters, ये बिहार की सबसे ऊंची ये है पीक है। ठीक है, तो आप फिर से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया तीन श्रेणियों के बारे में, है ना, तो आप देखिए क्या क्या यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले डिस्कस किया सोमेश्वर श्रेणी, फिर हरहा वैली, है ना, फिर हमने बात की है रामनगर दून, और सबकी सबसे हाईएस्ट पीक्स के बारे में भी हमने देखा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, हाईएस्ट पीक संतपुर, रामनगर दून की हाईएस्ट पीक हो गई संतपुर, जो कि देखिए यहाँ पे रामनगर दून है और ये जो मैंने बनाया है ये है संतपुर, है ना, ये चोटी आपको दिख रही है, तो रामनगर दून की हाईएस्ट चोटी हो गई संतपुर, जो कि 242 meters की ऊंचाई है, है ना। अब बात कर लेते हैं हरहा वैली की, तो हरहा वैली और दून वैली, है ना, बीच में लोकेटेड है एंड लास्ट में है सोमेश्वर श्रेणी, जो कि सबसे ऊपर है बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे। इसका हाईएस्ट पीक जो है वो है सोमेश्वर फोर्ट, 880 meters ऊंचा। तो इसी के साथ गाइस ये हमने पीक्स पढ़ ली। अब बात कर लेते हैं तराई बेल्ट की, ठीक है, तराई रीजन जो कि हमारे शिवालिक के साउथ में अगर मूव करेंगे तो हमें तराई बेल्ट मिलेगा, तराई रीजन मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिटवीन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स एंड सदर्न पार्ट ऑफ शिवालिक श्रेणी, है ना, शिवालिक रेंज, मतलब शिवालिक के नीचे आएंगे और गंगा तो है ही बीच में, गंगा प्लेन्स, तो गंगा प्लेन्स से ऊपर में तो आपको मिलेगा ये तराई रीजन। ठीक है, तो इसी तराई रीजन को हम लोग शिवालिक का साउथ बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, साउदर्न पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज। अब देख लेते हैं इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन ऑफ बिहार, है ना, आप देखोगे नेपाल के साथ बिहार का जो भी बॉर्डर है ना, तो वो शिवालिक वाला जो भी पार्ट है वो है तराई बेल्ट। ठीक है, बॉर्डर मतलब कुछ नहीं, बॉर्डर याद रखना है कि बॉर्डर के पास वाला एरिया होगा तराई रीजन। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट, है ना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इसको इग्नोर करें, ये है डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे एंड स्वैम्पी रीजन मिलेंगे। स्वैम्पी रीजन का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी बारिश भी होती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो होती है काफ़ी दलदली होती है, और देखिए यहाँ पे जो हेवी रेनफॉल है ये है 150 से लेके 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 to 200 सेंटीमीटर काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होती है, इसीलिए इसका जो इसकी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी स्वैम्पी होती है, दलदली होती है एंड यहाँ डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर स्प्रेड ओवर, आपको डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखना है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, है ना, जो कि बंगाल से आप बोल सकते हो बंगाल के पास में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट भी हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, अररिया एंड पूर्णिया, ये तीन हैं जो कि हमारे तराई बेल्ट में आते हैं ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स। तो गाइस इसी के साथ हमने आज देख लिया, ठीक है, तो
आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आज हमने बात की शिवालिक की तीन श्रेणियों के बारे में, तीन रेंजेस देखे, उनके हाईएस्ट पीक्स देखी, ठीक है, और हमने डिस्कस किया तराई बेल्ट के बारे में। तो गाइज वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।